ताइवान और चीन के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और ताइवान के साथ आने से चीन इस समय तिलमिलाया हुआ है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिका दौरे से वॉकलाए चीन ने ताइवान के खिलाफ 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 8 अप्रैल को एक या दो नहीं बल्कि चीन के 71 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इसके अलावा ताइवान की चौतरफा घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई जंगी जहाजों को ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिए हैं। चीन के 9 जंगी जहाजों ने ताइवान की सीमा का भी उल्लंघन किया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने 5 अप्रैल को अमेरिका के निचले सदन के सभापति केविन मैककार्थी से कैलिफोर्निया में मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक चीन के इस भड़काऊ कदम के खिलाफ ताइवान की सेना भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रही है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैककार्थी से मिलकर चीन को ये संदेश दे दिया है कि वो इनकी दर्द भभीकियों से डरने वाली नहीं है। निगरानी किए जाने वाली चीनी विमानों में J-10, J-11 और J-16 लड़ाकू जेट शियान Y-10, परिवहन विमान H-6 के रणनीतिक बम बर्षक और KJ-500 पारंभिक चेतावनी विमान शामिल है। ये चीन द्वारा शुक्रवार को ताइवान के आसपास 3 दिनों के सैन्य अभ्यास की घोषणा के बाद आया है। इसके साथ ये खबर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के लॉस एंजलिस से ताइपे लौटने के अगले दिन बाद आई है, जहां उन्होंने अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी से मुलाकात की। चीन की इस हिमाकत में एक बड़ा मैसेज छुपा है, क्योंकि 2023 की शुरुआत से चीन ताइवान को लेकर काफी एग्रेसिव है, इसलिए लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की जा रही है। इतना ही नहीं, ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीन एक वॉर एक्सरसाइज भी कर रहा है, यानी समंदर से लेकर आसमान तक ताइवान की घेराबंदी का मंसूबा उसने पाला हुआ है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।